Jammu is known as the city of temples, but today we are not talking about the temples. Today we are talking about the slums of Jammu. We are talking about the life in a slum, the problems the people of the slums face. A few members of our team visited a slum in Bohur camp, Jammu, and talked to the people living there. So we are here at a slum at Bohur camp, Jatha, Jammu. We told the people living there the purpose of our visit and asked their permission to record the video. We talked to one of the member of a family living there. अंकल तो आप यहाँ पे यहीं के रहने वाले हो कि आप? नहीं, हम दिल्ली के पीछे से आया हूँ. दिल्ली के पीछे? दिल्ली से. कब आए आप यहाँ? यहाँ पे आया 6 साल हो गए. 6 साल. और आप मतलब यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं सारी हैं कि पानी वगैरह की जरूरत वाली? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहते हैं. हम इधर झुग्गी बना के रहते, पानी वगैरह वो यहाँ पे कुटी लगा हुआ है, बस उसमें पानी आता है. पीने का पानी पीने का, वो नहाने का, धोने का सर्विस. और राशन राशन वगैरह? राशन वगैरह हम खरीद के खाते हैं. वजह से कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है? नहीं है. और जब बारिश वगैरह होती है तूफान आता है तब कैसे? बस ऐसे ही गुजरा है. तो पानी नहीं आता? नहीं, पानी आता है कभी कभी, पानी आ जाता है, क्या करेंगे, ऐसे ही झेलना पड़ता है. ये आपके बच्चे? नहीं, हमारे नहीं, मेरे बच्चे इधर गया हुआ थे. आप जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं. कौन से स्कूल में? ये अंदर है, कोर कैंप के अंदर सरकारी स्कूल है, उसमें जाता है. फीस कितना खर्चा हो जाता है? महीने का तो खर्चा बहुत है यार, रोज का अभी पता ही, सब चीज़ महंगाई है. रोज 500 रुपये तो अपना घर का खर्चा ही लग जाता है, खाने पीने के बारे में. रोज आप क्या काम करते हो? ऐसे कबाड़ी का काम करते हैं. कबाड़ी का ये गत्ता, बोतल वोतल गत्ता उत्ता सारा. और कोई काम करते हैं? बस यही काम है, बस और कोई काम नहीं. तो ये पूरा इलाका आप तो सारे एक साथ आए हो यहाँ पे? हाँ, अलग 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 गाँव का है. अलग अलग गाँव का है, कोई दिल्ली का है, हम आसाम का है. आसाम से? हाँ. और यहाँ पे आपको कोई परेशानी होती है? परेशानी देखो भाई, परदेश में तो परेशानी, परेशानी के बाद बोल के कोई फायदा है तो नहीं. यहाँ अपना कमाओ तो खाओ, नहीं कमाया तो भूखा रह जाओ, ये चक्कर, परेशानी. तो आप साल में पूरे टाइम यहीं पे रहते हो कि दिल्ली वापस नहीं जाते? नहीं. आप में से कोई भी नहीं जाता? हम लोग जाता है, हम लोग 1 साल भी जाता है, 6 महीना भी जाता है. मतलब ऐसे कभी भी जब मन करे? हाँ, जब जरूरत पड़ता है उधर. मतलब किस कारण की वजह से वापस जाते हैं? एक बार गया हम लोग NRC बनाने के लिए गया था. अच्छा. एक बार वोट कार्ड डालने के लिए गया था. अच्छा, आप वोट डालते हो? हाँ. और पानी की कमी तो नहीं होती? नहीं, इधर पानी का कोई कमी नहीं है. पानी की कमी नहीं होती? उधर टूटी लगा हुआ है, उधर बम्बी लगा हुआ है, इधर पानी का कोई कमी नहीं है. किराए पे रहते हो? हाँ, इस जगह का आप किराए भी देते हो? हाँ. कितना किराया देते हो? ये झुग्गी का 1000 रुपये महीने का. महीने का मतलब ये पूरे का कि एक? ना, ये एक झुग्गी का. ये झुग्गी है, एक वो झुग्गी है, ये झुग्गी है, सब अपना 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 अपना. जैसे आप आया ये उठा लिया, 1000 रुपये महीना. तो किसको देते हो ये किराया? जमीन मालिक को. ये जमीन जिसका है वो परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, तो हम लोग का साथ ही देता है. ठीक है. उसको किराए से मतलब? बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे ही गुजारा करते हैं, बच्चा है, क्या करे. कितने लोग रहते हैं? हम रहते, मैं हूँ, मेरा 2 बच्चा है, मेरा बीवी नहीं है. मेरा बीवी डेथ हो चुका है, 6-7 साल हो गया. 2 बच्चा है मेरा, छोटा छोटा, ऐसे ही 2 बच्चा है.
तो जगह कम नहीं पड़ती? नहीं नहीं कम नहीं है, दो बहुत है, ये दो बच्चा है मेरा और मैं अकेला हूँ, बस तीन बंदे रहते हैं। गर्मी में कैसे रहते हैं? पंखा बस ऐसे ही, ऐसे ही है जनाब, ऐसे ही सब मौसम में ऐसे ही रहना, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। वही अब क्या बोले, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है भाई, अब प्रॉब्लम बोल के तो कोई फायदा है नहीं, ना कोई मदद करता है, इसीलिए क्या बोलना। चलो आप स्कूल जाते हो? हाँ। नहीं जाते आप? हाँ मैं तो जाएंगे। कब जा रहा हूँ? पापा बुला लाए कि उधर पढ़ाऊंगा, इधर स्कूल ही बंद होता, कल जा रहा हूँ। उधर किधर? घर पे। घर कहाँ है आपका? बहराइच। बहराइच लखनऊ। अच्छा लखनऊ से आए? हाँ। तो इधर आप स्कूल नहीं जाते? जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीन। और आप? जितने भी इतना। We experience the life in a slum, and with our experience, we can only conclude that life in a slum is not easy at all. We returned back with an experience that we will never forget. Thank you for watching this documentary and being a part of this experience.